इंद्रो के खिलाड़ी सीजन 12 का हो चुका है वीक सेकंड स्टार्ट। कल था सैटरडे एंड कल हुआ थर्ड एपिसोड टेलीकास्ट, तो मैं ईशा लेकर आई हूँ आप सबके लिए एपिसोड 3 के हाइलाइट्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर, तो स्टार्ट करते सबसे पहले उस मेन थीम से जो वीक 2 के अंदर एक न्यू डिफरेंस लेके आया। वैसे तो चैलेंजेस होते हैं कंटेस्टेंट्स के बीच में, कभी गर्ल्स वर्सेस बॉयज होता है तो कभी टीम्स बना दी जाती हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है। लेकिन किन खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 है ही सबसे अलग, तो इस बार न्यू थीम रखा गया वीक सेकंड के लिए, जो कि था कंटेस्टेंट्स और होस्ट के बीच में फाइट। रोहित शेट्टी के पास अभी सब स्टार्स हैं, लेकिन जैसे जैसे टास्क होंगे कंप्लीट रोहित शेट्टी स्टार्स उतार के कंटेस्टेंट्स को दे देंगे। एंड अगर वीकेंड में रोहित शेट्टी के पास ज्यादा स्टार्स बचे कंटेस्टेंट्स के पास कम तो एलिमिनेशन होगा एलिमिका। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टंट की। टोटल 3 स्टंट्स परफॉर्म किए गए एपिसोड 3 के अंदर। सबसे पहला स्टंट था रेसिंग कार के ऊपर। रेसिंग कार को एक स्टंट प्रॉप में कन्वर्ट कर दिया गया था जिसके ऊपर 2 लोग लगा दिए गए थे एंड कंटेस्टेंट्स को उसके ऊपर खड़े हो गए, वो दोनों लोग को ओपन करना था। जो सबसे पहले इस स्टंट को परफॉर्म करने गई रूबीना दिलैक ने अपने आपको कंट्रोल बहुत अच्छा किया था गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो मात खा गई लॉक्स के अंदर। लॉक्स उनसे ओपन हुए, जन्नत ने जाकर बहुत जल्दी लॉक्स खोल दिए, लेकिन जन्नत कितने एफर्ट एंड एक पॉइंट लेने के बाद रोहित शेट्टी ने मोटिवेट करने के लिए एक स्टार दे ही दिया। तो यहां से चलते हैं नेक्स्ट स्टंट पे। नेक्स्ट, बहुत से सीजन में स्टंट पहले भी किया जा चुका है। स्टंट था कि कंटेस्टेंट को आयरन बॉल के अंदर डाल दिया जाएगा और उनके चारों तरफ होंगे शेर। जी हाँ, जंगल के शेर होंगे, उनकी तरफ को उन्हें घुमाते जाना एंड डिस्क मैग्नेट की है तो वो उस केज पे चिपक जाएंगी। इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए गए थे राजीव अदातिया एंड मोहित मलिक। सबसे पहले गए थे स्टंट को करने के लिए। राजीव अदातिया ने ये स्टंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 10 मिनट कंप्लीट होने से पहले ही राजीव अदातिया ने 10 डिस्क कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद बारी आई मोहित मलिक की। मोहित मलिक ने टास्क स्टार्ट अच्छा किया, ट्राई भी पूरी की, लेकिन जंगल का शेर उनके आगे जरूर अड़ गया। शेर ने उनका पिंजरा पकड़ लिया एंड जाने नहीं दिया। रिजल्ट ये था कि राजीव अदातिया ने 7 मिनट के अंदर 10 डिस्क कलेक्ट की, तो वहीं मोहित मलिक 10 मिनट में सिर्फ 5 डिस्क कलेक्ट की। तो इस स्टंट के अंदर भी राजीव अदातिया को एक स्टार मिलता है। उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टंट की। हाइना सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है एंड ये बहुत से सीजन्स में भी देखा जा चुका है। पहले भी बहुत बार कंटेस्टेंट्स को इस पॉइंट से बहुत डराया जाता था कि हाइना अपने ओनर का भी नहीं होता है, हाइना अपने ओनर को भी काट लेता है, लेकिन इस बार सिर्फ डराया नहीं एक प्रैंक भी कर दिया। कंटेस्टेंट्स को हाइना दिखाने के बाद बैक स्टेज जब हाइना को ले जाया गया तो वहां पे ऐसा दिखाया गया कि हाइना ने उसी के क्रू मेंबर को काट लिया, जिसको देख के कंटेस्टेंट्स क्या एक टाइम को व्यूअर्स भी बहुत डर गए थे। और रोहित शेट्टी ने जो एक्टिंग की वहां पे कि प्लीज ल्यूक को अंदर रखो, चेन टाइट करो, कुछ होना नहीं चाहिए, तो उसको देख के सब शॉक हो गए। ये बाद में रोहित शेट्टी ने बताया कि ये हमने इन पे प्रैंक किया है, ये आप सबको बताया बाकी इनको नहीं पता, तो उससे वो डर फैक्टर और भी इंक्रीज हो गया। तो स्टंट ऐसा, तो ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, शिवांगी जोशी, अंधेरी एंड कनिका। सीक्वेंस भी यही था, सबसे पहले शिवांगी जोशी गई, उसके बाद अंधेरी, उसके बाद जाएंगी कनिका। शिवांगी ने स्टंट कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अंधेरी स्टंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन केव के अंदर जाने के बाद वो की नहीं ढूंढ पाई तो लास्ट में वो केज ओपन नहीं कर पाई। कनिका ने स्टंट कैसे परफॉर्म किया वो मैं आपको कल अपनी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एपिसोड में सिर्फ इन दोनों के टास्क दिखाए गए। ये था खतरों के खिलाड़ी का वीक सेकंड एपिसोड 3। कमेंट करके उसे बताना कि इन सब टास्क में आपका फेवरेट टास्क कौन सा था एंड कौन सा कंटेस्टेंट आपको इंप्रेस करने में कामयाब हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।